नमस्कार, मैं भाग्यश्री। एनबीसी न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सस्ते हुए बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी से बने प्रोडक्ट्स, जीएसटी काउंसिल ने घटाया टैक्स। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ाई, 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर आधा प्रतिशत तक बढ़ाई गई ब्याज दर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने घरेलू सावधि जमा एफडी राशि पर ब्याज दर में इजाफा किया है। अलग अलग परिवक्ता अवधि वाली 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दर आधा प्रतिशत तक बढ़ाई गई है। इसका लाभ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन खाता धारकों को मिलेगा। बढ़ी हुई ब्याज दर सोमवार से प्रभावी हो गई है। सावधि जमा पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्याज दर सामान्य खाता धारकों के लिए सालाना 7.40% तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.90% है। बैंक ने 399 दिनों के लिए अपनी तिरंगा प्लस जमा योजना पर ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। गैर प्रतिदेय जमा पर वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 7.80% ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि इस फैसले से जमाकर्ताओं को फायदा होगा। इसराइल फलस्तीन समेत पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट आई। सेंसेक्स 483 अंक गिरकर 65,512 पर और निफ्टी 141 अंकों की गिरावट के साथ 19,512 पर बंद हुआ। 12 अक्टूबर को अगस्त के औद्योगिक उत्पादन और सितंबर के रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी होने हैं। ऐसे में निवेशकों ने बाजार से दूर रहना बेहतर समझा। कोटक सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड रिटेल श्रीकांत चौहान ने कहा कि अधिकांश तेल उत्पादक देश संघर्ष क्षेत्र के करीब है, इससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, ये बाजार के लिए निगेटिव है। स्वतंत्र बाजार विश्लेषक प्रकाश दीवान के मुताबिक लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए सिलेक्टिव स्टॉक्स में गिरावट आने पर खरीदारी अच्छी रणनीति होगी। घरेलू खपत से जुड़ी कंपनियों, रिन्यूएबल पावर सेक्टर के शेयर अच्छे कहे जा सकते हैं। विभव स्टील्स ट्यूब लिमिटेड ने अपने प्रथम सार्वजनिक निर्गम आईपीओ की मंजूरी के लिए नियामक सेबी के पास DRHP दाखिल कर दिया है। कंपनी की अपनी विस्तार योजना के लिए पूंजी बाजार से 67.47 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने खंबाटा सिक्योरिटीज को अपना लीड मैनेजर नियुक्त किया है। क्वालिटी स्टील ट्यूब व पाइप बनाने वाली इस कंपनी के शेयर NSE और PSE में सूचीबद्ध होंगे। 112 करोड़ के कारोबार पर 21 करोड़ रुपए का लाभ कमाने वाली विभव स्टील के निर्माण संयंत्र और वेयरहाउस महाराष्ट्र, तेलंगाना व हरियाणा में है। सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन की खोज के लिए 3 सदस्यीय खोज सहचयन समिति गठित की है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि समिति की अध्यक्षता सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड PCB के चेयरमैन करेंगे और इसमें सदस्य के रूप में पेट्रोलियम सचिव शामिल होंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन MK सुराना समिति के 3rd सदस्य हैं। IOC के नए चेयरमैन को चुनने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। सरकार ने IOC के मौजूदा चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य को अगस्त में सेवानिवृत्ति के बाद 1 साल का विस्तार दिया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी PSU के निदेशक मंडल के लिए एक विरला मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। भारत में चल रहे मिलेट ईयर 2023 के बीच सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब मोटे अनाजों से बने प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं। GST काउंसिल की 52 बैठक में केंद्र सरकार ने बाजरा, ज्वारी, रागी, कंगनी, कुटकी और कोदो जैसे मोटे अनाज पर GST घटा दिया है। ऐसा मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में शनिवार को हुई इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री और भारत सरकार के कई सीनियर अधिकारी शामिल हुए। GST काउंसिल की बैठक में मिलेट फ्लोर फूड प्रिपरेशंस पर GST की मौजूदा दर 18% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक GST काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने इससे पहले पाउडर्ड मिलेट के लिए छूट की सिफारिश भी की थी। मोटे अनाजों से तैयार प्रोडक्ट्स पर भी GST में छूट देकर इंसेंटिव की मांग की जा रही थी, जिसे काउंसिल ने दरकिनार कर दिया है। बता दें कि हाल ही में मिलेट यानी मोटे अनाजों की खूब चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है, इसलिए साल 2023 को मिलेट ईयर यानी मोटे अनाजों के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि देश में मोटे अनाजों का उत्पादन और उपभोग दोनों बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सस्ते हुए बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी से बने प्रोडक्ट्स, GST काउंसिल ने घटाया टैक्स।
और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ाई। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर आधा प्रतिशत तक बढ़ाई गई ब्याज दर। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।